कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पाप लगती नहीं है, मगर पाप उनके बिना होता नहीं है। क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पाप लगती नहीं है, मगर पाप उनके बिना होता नहीं है, है ना? चर्चा चल रही है अपनी नौ कषायों पर। हास्य रति यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें प्रेम नाम की कहीं चीज़ नहीं है, इसमें राग नाम की कहीं चीज़ नहीं है, नहीं है ना? और इसके बिना ये होते नहीं है। बिना राग के क्रोध नहीं होता, बिना राग के अभिमान नहीं होता। भाई जब किसी चीज़ तुमको तुम अपना नहीं मानोगे तो उसको क्या दिखाना चाहोगे? दिखाना किसको चाहते हो? जिस पर तुम्हारी मालकियत है। मेरे पास मकान है, मेरे पास दुकान है, है ना, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है। जब तुम्हारे पास कुछ होगा तुम अपना मानोगे तभी तो दिखाओगे, तो मान भी तभी होगा। मायाचारी भी उसी के लिए करोगे और लोभ भी उसी के लिए करोगे। तो जो नौ नौ कषाय चल रही है, हास्य रति, रति यानी प्रेम, सारे पाप किसके लिए करते हो? अरे बोलिए ना, प्रेम के लिए करते। हिंसा किसके लिए? प्रेम के लिए। झूठ किसके लिए? प्रेम के लिए। चोरी किसकी? भाई जब तक धन से आपको प्रेम नहीं होगा तो चोरी कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते हो। तो चोरी भी किसके लिए? प्रेम के लिए। आप ब्रह्म है किसके लिए? वो भी प्रेम के लिए। और परिग्रह किसके लिए? वो भी प्रेम हो तो ये सारे काम होते हैं, और प्रेम ना हो तो ये सारे काम नहीं होते हैं। एक माँ, एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, करते हैं ना? अब कौन इसको दुनिया में पाप कहेगा कि ये पाप कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, इसको कौन कहेगा कि ये पाप कर रहे हैं? लेकिन इसके बिना पाप होता है क्या? तुम धन किसके लिए इकट्ठा करते? मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो, मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो, है ना? धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इनके लिए भी कर दूँ और इनके बच्चों के लिए भी कर दूँ, ताकि मेरे बेटे सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे। और कई बार बच्चा यदि कम दिमाग का हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो क्या करते? टेंशन होती, माता जी मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, बहुत टेंशन रहती है मुझे। भाई क्यों, और भी तो हैं ऐसे बच्चे, उनकी टेंशन क्यों नहीं करते हो? एक की क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक से राग है। एक से क्या है? राग है, प्रेम है, ममता है, मोह है, तो उसकी टेंशन, माता जी बहुत टेंशन रहती, चलो जब तक मैं हूँ तब तक तो हम निभा देंगे इसको, जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा इसका। और प्रेम ना हो, अरे बोलिए ना, तो टेंशन ही नहीं है। सब्जी भा सब्जी वाले से मोल भाव करते हो, कितने रुपए किलो दी, चल इतने में लगा दे। क्यों किया? किसको बचाने के लिए किया? धन को बचाने के लिए। धन क्यों बचाना चाहते हो? धन से राग है, धन से राग है। सामने वाले को परेशान क्यों करते हो? क्योंकि धन से राग है। और सामने वाले से प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है। अभी पैसा ना कमाए फिर देखो उसका प्रेम। अभी तो बड़े तुम्हें जो पसंद है ना, मैं वो ही बनाया करूँगी, आपको ये बहुत अच्छा लगता है, भाई ऐसा क्यों? और जरा वो महीना भर दुकान ना जाए, कोई काम ना करे, फिर क्या करोगे? अभी तो इंतज़ार करते, वो आने वाले हैं, मेरा बेटा आने वाला है, उसके लिए भोजन बना के रखोगे, उसके लिए ठंडा जूस निकाल के रखोगे, ये करोगे वो करोगे, उसका टाइम हो गया आने का, पूरी तैयारी करोगे, और वो धन ना कमाए, दिन भर घर में पड़ा रहे, फिर अरे बोलिए ना, फिर जूस निकालोगे? फिर तो उसका जूस निकाल दोगे, निकम्मा कहीं का, सारे दिन घर में पड़ा रहता है,
है, ठलवाईगिरी करता है, फालतू की बातें करता है, ये नहीं कि दुकान चले जाएं, ये नहीं कि यहाँ चले जाएं। बोलिए हाँ या ना, तुम्हारा प्रेम किससे है, बेटे से है या पैसे से है? अब सोचना पड़ेगा भाई, जब बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक तो बेटे से प्रेम होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, हाँ अब प्रेम जुड़ गया, किससे? पैसे से। अब रोटी तो दोगे मगर गालियां भी दोगे, एक रोटी के साथ एक गाली फ्री, दो रोटी के साथ दो गाली फ्री, तीन रोटी के साथ तीन गाली फ्री, और चार रोटी के साथ आठ गाली फ्री। चार रोटी में गाली दुगनी हो जाएगी, खाने को इतना चाहिए, कमाना कुछ है नहीं, सारे दिन बैठे बैठे खाना है। तो अकेले इनकी नहीं, यदि महिलाएं घर का काम ना करें, अरे बोलिए ना, एक दिन भाई आज मन नहीं कर रहा काम करने का, चलो ऐसा करो भोजन तुम ही बना लो, बच्चों से बनवा लो, आज झाड़ू लगाने का मन नहीं कर रहा, आज पोछा लगाने का मन नहीं कर रहा, आज ना कपड़े तुम ही धो लो। महिलाएं घर का काम ना करें और एक महीना तक कोई काम ना करो, फिर देखो कौन आपको प्रेम करता है। थोड़ा बेस बढ़ाना, थोड़ा सा, फिर देखो आपको कौन प्रेम करता है। अब प्रेम किससे है? संसार में किसी की कीमत नहीं है, कीमत है तो उसकी योग्यता की और उसके काम की। इंसान चाम को नहीं काम को नमस्कार करता है। क्या इंसान काम को नहीं चाम को नमस्कार नहीं काम को नमस्कार करता है? हम भगवान आदिनाथ की पूजा करते हैं, पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं, भगवान मुनिसुवरनाथ भगवान की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उन्होंने ऐसा कार्य किया, वो भगवान बन गए, उनके अंदर इतने गुण हैं कि हम उनकी पूजा करते हैं। और उन्होंने यदि अपने गुणों को प्रकट ना किया होता तो वर्तमान में क्या हो रहा? गुण तो कम है और सम्मान की भावना ज्यादा है, गुण तो कम है और सम्मान की भावना ज्यादा है। गुणों को बढ़ाओ तो सम्मान बढ़ जाएगा, गुणों को घटाओ तो सम्मान घट जाएगा, वो तो स्वाभाविक है ना? तो जो सारी कहानी शुरू होती है वो राग से शुरू होती है, संसार की सारी कहानी जो शुरू होती है वो राग से शुरू होती है। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जाने लिया है, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते उसने सब जग जाने लिया, जिसने जीता है उसने जान लिया है, और जिसने नहीं जीता है उसने नहीं जाना है। भगवान महावीर घर में रहते थे, घर में रहते थे तब हम उन्हें भगवान नहीं मानते थे, जब वो महलों में रहते थे तब हम उनकी पूजा नहीं करते थे। उनकी पूजा हमने कब शुरू की? अरे बोलिए ना, जब उन्होंने राग छोड़ा, जब उन्होंने मोह छोड़ा, जब वो आत्मस्थ हुए, जब वो अपनी आत्मा की गहराई में पहुंचे, तब हमने उनकी पूजा करी। और तुम सब कुछ होते हुए पूरे राग में डूबे हुए और सोचो कि पूरा सम्मान मिल जाए, पूरी पूजा हो जाए, तो कहाँ से हो जाए? त्याग करो ना, कुछ अच्छे काम करो ना, दिन भर मोबाइल चलाओ बैठ के, इसके सिवा कोई और काम है नहीं तुम्हारे पास, फिर कहो कि तुम्हारी पूजा करें, तो कैसे करें? तो पूजा कहाँ से शुरू होती है? वीतरागता से। कहाँ से शुरू होती है? वीतरागता से। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, ये रति जो नौकशाएं चल रही ना, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसकवेद, है ना? काव्य में इसे रस कहा है। बचपन में स्कूल में पढ़ा है ना, नौ रस कौन कौन से होते हैं? यही तो होते हैं भाई। एक रस वो षटरस जो है, मीठा खट्टा कड़वा चरपरा कसायला, ये तो तुम्हारे भोजन के रस हो गए। अब इस ये रस जो है वो मुंह में आता है, जीभ में आता है, लेकिन मन में कौन सा रस आता है? हास रस है।
रति रस है, है ना, अरति द्वेष रस है, भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंस ये रस है। ये रस का मुझ किस में है, ये संसार के रस हैं। संसार में जब तक जुड़े हैं तो इनमें रस आ रहा है, और संसार को जैसे ही छोड़ा रस खत्म। भाई राग है तो भोजन भी अच्छा लग रहा है, राग है तो सजना सवरना भी अच्छा लग रहा है, राग है तो मकान में भी बड़ा अपनापन लगता है, राग है तो जेब में जो नोट रखे हैं उनमें भी आनंद आता है, राग है तो सोने चांदी में भी आनंद आता है, राग है तो पड़ोसन से बात करने में भी आनंद आता है, और राग नहीं है जिससे प्रेम ही नहीं है उसके प्रति रस खत्म। ना द्वेष है, ना भय है, ना ग्लानी है, ना नौकश, कुछ कुछ नहीं है, फिर तो सब खत्म। इसीलिए कहा है जिसने राग द्वेष है, कामादिक तो चलो बात की बात है, जब राग ही नहीं रहेगा तो कामादिक भी नहीं रहेंगे। राग है तो काम है, राग नहीं है तो काम भी नहीं है। तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, कौन सा पाप सबसे बड़ा है? अरे बोलिए ना, राग सबसे बड़ा पाप है, जिसके निमित्त से सारे कषाय और सारे पाप होते हैं। और कोई इसको मानेगा भी नहीं कि माता जी राग करना पाप है, कोई घर में किसी से कोई किसी से राग ना करे। अब बहू यदि सास से राग ना करे, देखो कितनी दुखी रहती है, कितनी टेंशन रहती, बोलती तक नहीं है, देखती तक नहीं है मेरी तरफ, मुस्कुराती भी नहीं है मुझे देख के, सारे दिन अपने कमरे में घुसी रहती है, भोजन भी ऐसे ही करा देती है। अब तुम उससे अपेक्षा रख रहे हो कि वो मुझे राग करे, और नहीं करे तो शोक, नहीं करे तो शोक, नहीं करे तो गिलानी। ऐसी बहू तो कहाँ से मेरी किस्मत फूटी थी, ऐसी बहू मिल गई मुझे, गिलानी शोक, सारे दिन दिमाग में विचार चलना। एक पाप किसके किस कारण हो रहे हैं, राग के कारण। राग नहीं होता तो शोक नहीं होता, राग नहीं होता और फिर भय, भाई भी रहता है बहू का। रसोई में गए, अब कुछ खाने का मन कर रहा है, अब बहू क्या कहेगी, सास बार बार खाती है, अभी तो रखी गई थी, सास ने खा लिया होगा, अब घर में कोई और है नहीं, भाई राग है तो भाई। यानी जितने पाप हैं, जितनी कषाय हैं, यदि उन सब का कोई कारण है तो रति राग प्रेम है। और आप इसको मानने तैयार नहीं हो, आप इसको बुरा मानते ही नहीं हो, बुरा मानो तो छूटे। राग को यदि बुरा मानो कि वास्तव में राग करना पाप है तो आगे के पाप छूटे। तुम इसको बुरा मानते नहीं, सजना सवरना, अभी कोई यदि मान लो बिंदी ना लगाए, अभी कोई चूड़ी ना पहने, हालांकि वो नहीं पहनती है तो इसलिए नहीं पहनती कि उसे राग नहीं है, उसके नहीं पहनने का कारण राग नहीं है, उसके नहीं पहनने का कारण हिड़स है। जब पति मेरे लिए कुछ नहीं पहनता तो मैं इसके लिए क्यों पहनूं, हिड़स है, हिड़स कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कि बराबरी करना। जब वो मेरे लिए यदि वो मांग भरे तो मैं भर लूंगी, वो चूड़ी पहने तो मैं पहन लूंगी, वो बिछुड़ी पहने तो मैं पहन लूंगी, जब वो नहीं पहनता तो मैं क्यों पहनूं। इसमें इसमें भी एक अभिमान है, ये भी एक कषाय है ना। अब मान लो कोई नहीं पहनता है तो क्या लगता, ऐसी घूमती रहती है, अच्छी लग रही है क्या, अच्छी नहीं लग रही है, सारे दिन मन में आएगा नहीं आएगा। अरे बोलिए ना, यदि आपकी लड़की अच्छे से ना रहे, लड़की है चलो अभी शादी नहीं हुई है और उसको पहनने का शौक ही नहीं है, शादी नहीं हुई है और पहनने का शौक नहीं है, और मम्मी को खूब सजने संवरने का शौक है, अब वो अपनी लड़की को क्या कहेगी सारे दिन? अरे बोलिए ना, ढंग से रहा कर, समाज में जाती है उठती बैठती अच्छा नहीं लगता है, पहन लिया कर जरा अच्छे कपड़े पहना कर। बोलिए कहोगे नहीं कहोगे, क्यों, खुद का राग तो है ही है, दूसरों का राग भी है,
जिससे राग है वो वैसा ही चाहिए जैसा हम चाहते हैं। और यदि जिसको मान लो सिंपल रहने की आदत है और बहू को सजने संवरने की आदत है तो फिर क्या होगा? देखो सारे दिन आईने के सामने बैठी रहती है, सारे दिन सजने संवरने की इसे फुर्सत ही नहीं मिलती है। भाई जरा घर का काम भी कर लिया कर, सारे दिन आईने के सामने बैठी रहती है, हैं? ये द्वेष हो गया। ये क्या हो गया? ये द्वेष हो गया। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ राग नहीं है वहाँ द्वेष भी नहीं है। तो संसार का कारण क्या है? राग और द्वेष। सारे पाप का कारण क्या है? राग और द्वेष। सारी कषायों का कारण क्या है? राग और द्वेष। यदि राग और द्वेष ना हो, इत्याग क्यों करवाया जाता है? आलू का त्याग करो, गाजर का त्याग करो, अपने कपड़े सीमित करो, तुम्हें कितनी जोड़ी कपड़े रखने हैं, अपने मकान सीमित करो, तुम्हें अपने नाम से कितना मकान रखना है, अपने नाम से कितना सोना रखना है, कितना, ये त्याग क्यों कराया जाता है? ये त्याग करवाने का मतलब है राग का त्याग। और जितना जितना राग का त्याग होता जाएगा उतना उतना दुख से दूर होते जाओगे, और जितना जितना राग बढ़ता चला जाएगा उतना उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे एक आलू का त्याग किया, ठीक है, अभी क्या होता था, जब तक आलू खा रहे थे तो घर में जिस दिन आलू की सब्जी ना बने हो तुम्हारा मन कर रहा, झगड़ा करोगे, आलू के पराठे बनाने कहा नहीं बने, झगड़ा करोगे, है ना? आलू के कुछ खाना, टिक्की खाना, चलो बाजार चलते हैं। अब तुमने एक आलू का त्याग किया तो एक एक आलू का मतलब वो एक आलू नहीं, आलू मात्र एक, है ना? आपने आलू का त्याग किया, अब आपकी आलू की टिक्की, आलू के समोसे, आलू के पराठे, आलू की चिप्स और क्या क्या बनता है, है जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपकी त्याग हो गई। अब आपका मन जब तक संकल्प नहीं लिया था तो सब चीज़ में मन जा रहा था, ठीक है, सब चीज़ में मन जा रहा था, ये खाना वो करना, दिमाग वहाँ लग रहा था। अब आपने आलू का त्याग किया, आपका दिमाग उतनी चीज़ों से हट गया, उतने राग से हट गया। त्याग का मतलब त्याग नहीं है, त्याग का मतलब राग त्याग है, और राग त्याग का मतलब है कि दुख से दूर होना और अपनी तरफ आना। हम जितना जितना बाहर की तरफ जाते हैं उतना उतना हम अपने से दूर होते हैं, और जितना जितना हम बाहर को छोड़ते जाते हैं उतना उतना हम अपनी तरफ आते हैं। तो त्याग का मतलब है कि बाहर से राग हटा करके अपनी अंतर यात्रा की तरफ लौटना। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? अब तुम लोग तो सबसे बड़ी अपेक्षाएं रखते हो, बहुत अपेक्षाएं रखते हो। पड़ोसन ने पूछा नहीं मैंने नई साड़ी पहनी, उसने तो पूछा तक नहीं बहना तूने नई साड़ी पहनी, पड़ोसन से अपेक्षा है। शादी में जाते हो, सस सवर के जाते हो, कोई ना कहे तुम्हें कि तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, तो तुम्हें दुख हो जाता, आज तो किसी ने पूछा ही नहीं। माता जी के पास जाओ, माता जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, माता जी ने देखा तक नहीं, अब माता जी से भी अपेक्षाएँ हैं। वो तो आशीर्वाद बताओ तो अपना लिखती पढ़ती रहती हैं, वो तो बोलती नहीं है मेरे से, माता जी से अपेक्षाएं। जितनी जितना राग उतनी उतनी अपेक्षाएं, और जितनी जितनी अपेक्षाएं उतना उतना दुख। अरे बोलिए ना, हैं? तो एक उपेक्षा संयम होता है। कौन सा संयम? अपेक्षा और उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है जहां जहां से अपेक्षा थी हमने उसकी उपेक्षा कर दी, अब हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा वही कर सकता है जो स्वयं से जुड़ा हुआ है, जिसका मन खुद से लगता है, जिसका मन स्वाध्याय में लगता है, जिसका मन ध्यान में लगता है, जो अपनी आत्मा को पहचानता है, जो परमात्मा को पहचानता है, वो ही इतनी काम कर सकता है। और जो अपने आप में नहीं रह पाता है उसे दिन भर दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। अभी बच्चे को छोड़ दो घंटे के लिए छोड़ के तुम बाज़ार चली जाओ, बेटा बस दो एक दो घंटे लगेंगे, बस आ रहे हैं, बस हम जल्दी आ जाएंगे, तू घर में रह, टीवी देख, मोबाइल देख। अब वो एक घंटा हो गया मोबाइल देख लिया, दो घंटा हो गया, और कितना मोबाइल देखे बेचारा, थक गया मोबाइल देख देख के, घड़ी देखा, अरे दो घंटे हो गए,
अब उसका फोन शुरू, अभी तक नहीं आए, तुम 2 घंटे की कह गए थे। फिर वो थोड़ा, अरे बेटा बस 10 मिनट में आ रहे, अब आपको और देर लगे, फिर फोन। यानी यदि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है तो अकेला रहना है। अकेला और एकांत दोनों में अंतर है। जब राग होता है और फिर अकेला रहे तो उसको कहते हैं अकेला। और एक है अंत, यानी मेरी आत्मा एक है और मैं उसमें पहुंच गया, तो एक ही है अंत जिसका, वो है एकांत। एकांत ध्यान संयम साधना के लिए होता है, और अकेलापन राग के द्वारा जो उत्पन्न हो वो अकेलापन है, और भीड़ में जो अपने आप में रहे वो भी एकांत है। क्या भीड़ में बैठे और अपने में है, अपना लिख रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, अपनी जाप कर रहे हैं, अपनी माला कर रहे हैं, अपने आप में रह रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, वो भीड़ में रह करके एकांत में है। और जो अकेले में है मगर दिमाग में भीड़ चल रही है, वो अकेला नहीं है, वो भीड़ में है। तो रति, ये काम करवाने वाला कौन है, ये जड़ कहाँ है? राग में है। किस में है? राग में है। जब आत्मा से प्रेम होता है तो वैराग्य होता है। इसको कहते राग वैराग्य वीतराग और अनुराग, 4 चीजें हैं। राग अनुराग वैराग और वीतराग, ये 4 चीजें हो गई। राग अटैच होना, किससे? संसारी वस्तु से और संसारी प्राणियों से। अनुराग, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो राग होता है उसको अनुराग कहते हैं, और अनुराग इसलिए कहते हैं कि उनसे होने वाला ये अटैचमेंट आपको राग छुड़ाने वाला होता है और मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला होता है, इसलिए इसे अनुराग कहते हैं। और एक होता है वैराग, जब वैराग आता है तो फिर संसार शरीर भोग सब नश्वर लगने लगते हैं। ऐसा लगता है अरे मैंने अपना कितना जीवन खराब कर दिया, यदि इतना राग इतना प्रेम मैं खुद से करता, अपनी आत्मा से करता, तो जाने अभी तक कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया होता। तो बाहर की वस्तुएं जब व्यर्थ लगने लगे, जब छोड़ने का मन करने लगे, तो इसका नाम है वैराग। और जब छोड़ दिया जाए तो इसका नाम है वीतराग। जब छोड़ दिया जाए तो इसका नाम है वीतराग। जो छोड़ रहे हैं, आचार उपाध्याय साधु छोड़ दिया और अभ्यास सतत जारी है, कहीं मन जाता है वापस लाते हैं, कहीं मन जाता है वापस लाते हैं, अभ्यास सतत जारी है, साधना चल रही है। किसकी साधना चल रही है? राग और द्वेष छोड़ने की। भगवान ने सारे वस्त्र छोड़े, आभूषण छोड़े, क्यों छोड़े? क्योंकि उससे राग छोड़ना है, राग छोड़ने के लिए छोड़े हैं। फिर उसका अभ्यास किया, फिर ध्यान किया, साधना करी, और ये सारी साधना मानसिक है। कौन सी है? मानसिक साधना है। और फिर एक दिन छोड़ते 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 ऐसे छूटे ऐसे छूटे ऐसे छूटे कि कर्म भी छूट गए, शरीर भी छूट गया, और आत्मा शुद्ध आत्मा थी वो मोक्ष में पहुंच गई। अभी कौन सी आत्मा है? अशुद्ध आत्मा है, कर्म सहित आत्मा है, कषायों सहित आत्मा है, और अभी तो कल्पना भी नहीं है कि कभी अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। अभी तो भाव ही नहीं है कि अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। अभी तो पूरे जहां है भाई हम तो अपने घर में ही ठीक है, घर छोड़ के क्या करना है, भाई हम तो अपने घर में ही ठीक है। कोई जा रहा हो, घर से निकल रहा हो, पागल है, दिमाग खराब है तेरा, कोई घर छोड़ा जाता है क्या? अपने घर में रह के कर ले जितना धर्म करना है, और घर में ही रह होके मतलब घर में रहकर धर्म हो रहा होता तो भगवान महावीर अब महल मकान को छोड़ते नहीं, कहीं ना कहीं घर से दूर रहकर साधना करी जाती है। और फिर जैसे कोई वकील है, जब वकील बनता है तो वकील के नीचे रह के काम करता है, सीए है, सीए बनता तो पहले सीए के नीचे रह के काम करता, डॉक्टर है, डॉक्टर के नीचे रह के काम करता। ऐसे ही कोई घर छोड़ता है तो अकेले नहीं छोड़ देता है, किसी गुरु के सानिध्य में रहता है, उनके साथ में सीखता है, साधना करता है, उनके साथ में रह के अभ्यास करता है,
दीक्षा लेता है, जब परिपक्व हो जाता है फिर अब तुम करते रहो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही गुरु का सानिध्य अत्यंत जरूरी है। कब तक? जब तक हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। यदि उंगली पकड़े रहोगे तो कभी ना कभी तो तुम्हें वो वहां तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे, बता दिया, चलाएंगे, चल रहे हो, और कभी ना कभी तो वहां पहुंच ही जाओगे जहां वो तुम्हें ले जाना चाहते हैं। उन्होंने राग छोड़ दिया है, अब तुम उनसे अपेक्षा मत करो कि वो तुमसे राग करे। नहीं तो अपेक्षा होती है, बताओ हम इतने बार हुआ है महाराज जी के पास, महाराज जी तो हमसे हमें तो याद ही नहीं करते, हाँ हमारी तरफ तो देखते ही नहीं है। कई बार होता है भाई, भीड़ भाड़ होती है, कई बार नहीं कर पाते हैं। एक बार तो छोटी सी बच्ची थी, बड़ी पुरानी बात है, तो वहाँ पर मेहंदी प्रतियोगिता चल रही थी मंदिर में। तो मंदिर में सबने उससे कहा बेटा मेहंदी लगवा ले। वो मेरे पास बहुत बैठती थी, बहुत आती थी, छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी, उसके भी बच्चे हो गए होंगे अब तो, बहुत छोटी सी थी। तो मैंने सबने उससे कहा बेटा मेहंदी लगवा ले, नहीं लगवाई, मेहंदी लगवा ले, नहीं लगवाई, सबने कहा नहीं लगवाई। घर जाके खूब रोई, भाई क्यों रो रही है, माता जी ने क्यों नहीं कहा कि मेहंदी लगवा लो। वो इतनी सी बच्ची, उसे माता जी से अपेक्षा है कि माता जी ने क्यों नहीं कहा कि मेहंदी लगवा लो। जब राग होता है तो अपेक्षाएं पैदा होती हैं, और जब निस्वार्थ भाव वात्सल्य भाव से जुड़ते हो तो निस्वार्थ भाव में फिर वो अपेक्षा नहीं होती। भाई मेरा कर्तव्य है मुझे आहार देना है, मेरा कर्तव्य है मुझे इनकी सेवा करनी, अपना कर्तव्य समझ के करोगे, वात्सल्य भाव से करोगे तो अपेक्षा नहीं होगी, और अपेक्षा भाव से करोगे किसी भी दिन छूट जाओगे। जब तक अपेक्षा पूरी होगी तब तक तो माता जी, और अपेक्षा पूरी नहीं हुई बस पता है महाराज जी कैसे, माता जी कैसी है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना है। धर्म भी तुम्हारा बिना अपेक्षा के नहीं हो रहा है। भाई चलो महावीर जी चलते हैं, क्यों? बस वहां अपनी मनवांछा पूर्ण होती है, और नहीं हुई तो फिर कहीं और चलते हैं। नहीं, धर्म भी निस्वार्थ भाव से करोगे तो आत्मा में विशुद्धि आएगी, और लंबे समय तक धर्म कर पाओगे, और स्वार्थ में करोगे, अपेक्षा में करोगे तो बीच में कहीं भी छूट जाओगे। तो सारे संसार की जड़ क्या है? राग और द्वेष। साधना किसकी करनी है? भाई एक टाइम भोजन करना, क्यों? शरीर को सुखाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, एक टाइम के भोजन का राग छोड़ने के लिए। उपवास करना है, क्यों करना है? कि भाई आज हमारा भोजन का पूरे दिन के राग का त्याग है, अब तुम घर में कुछ भी बनाओ हमें कोई मतलब नहीं है, आज तो हमारा भोजन का त्याग यानी राग का त्याग। वस्त्र का त्याग, भाई आपने 100 जोड़ी रख लिए, बाकी का त्याग कर दिया, तो माने राग का त्याग। अभी घर में रह रहे हो तो घर के हिसाब से त्याग शुरू तो करो, सारी दुनिया का पाप क्यों ले रहे हो? तो जितना जितना राग कम होगा उतना उतना हम अपनी तरफ आएंगे, है ना। बीच में सेंटर में आत्मा है, और मन इसको घुमाने वाला चारों तरफ है। अब हमें सेंटर में वापस आना है, तो अभी हम बहुत दूर हैं, अभी हम बहुत दूर हैं सेंटर से, अब दूर हैं, तो जितने हम दूर हैं उतना पास आने के लिए हमें उतना उतना त्याग करना होगा, और धीरे 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 करके फिर अपनी तरफ आना होगा। ये है जैन धर्म का सार। जैन धर्म कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। यदि अपनी आत्मा को जानने लगो, पहचानने लगो, तो जैन धर्म बिल्कुल कठिन नहीं है। और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसके लिए जैन धर्म बहुत कठिन है। और शुरुआत में तो सहारे की जरूरत होती है, जैसे छोटा बच्चा है उंगली पकड़ के चलता है, ऐसे ही आप एक दिन में सोचो कि हम राग त्याग करके और घर के अंदर बैठ जाएं अकेले, तो मन लगने वाला नहीं है। उसके लिए पहले साथ चाहिए। कहते ना, अभी भी कहा है कि सबको, साधु संतों को साथ में रहना चाहिए,
क्यों रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे के साथ जो क्रिया चल रही है, जो ध्यान सामायिक चल रही है, कभी मन यदि खराब हो भी जाए तो एक दूसरे के साथ रह के मन वापस आ जाए। यह संगति का प्रभाव, कभी फिसल भी रही होगे तो वापस आ जाओगे। इसलिए धर्मात्मा की संगति में अवश्य रहना चाहिए, उससे हमारा मन भी ऊपर की तरफ जाता है। वरना घर में रह रहे हो तो टेंशन, चिंता, डिप्रेशन ये तो फ्री में मिलते हैं। घर में रहने वाले को क्या क्या, अरे बोलिए ना, टेंशन, डिप्रेशन, दुख, कष्ट, संघर्ष, परेशानी, ये सब फ्री में मिलते हैं। और ये छोड़ना है तो राग छोड़ना है। क्या छोड़ना है? राग छोड़ना है। राग छोड़ दिया यानी आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। ये मत सोचो कि मैंने इतने साल से इस चीज का त्याग किया है, इतने साल से इस चीज का त्याग किया। तुमने त्याग नहीं किया है, तुमने राग का त्याग किया है। हास्य रति, रति यानी प्रेम, है ना। राग होगा तो द्वेष होगा, राग नहीं होगा। अच्छा, राग के संबंध को तो आप संबंध मानते, अरे वो ना उनसे हमारा बहुत अटैचमेंट है, उनसे हमारा बहुत प्रेम भाव है, हाँ उनके यहाँ उनके बिना तो हमारा कोई काम होता ही नहीं है, बहुत अटैचमेंट है मैं उनसे, ये राग है। और जब लड़ाई हो जाए तो संबंध छूट गया क्या? संबंध छूटा नहीं, और ज्यादा जुड़ गया लड़ाई होने के बाद। पहले कम याद करते थे, अरे बोलिए ना, अब ज्यादा याद करते हो। संबंध छोड़ा या और ज्यादा जोड़ लिया? तो द्वेष भी संबंध है, राग भी संबंध है, द्वेष भी संबंध है। संबंध खत्म होने का मतलब मन में उनके प्रति विचार आना ही नहीं, इसका नाम है संबंध खत्म होना या राग का खत्म होना। बात समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो बच्चे भी, जितना अटैचमेंट कम करोगे उतने सुखी रहोगे किसी भी वस्तु से, किसी भी वस्तु से। और जितना अटैच किसी चीज से होगे उतने दुखी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? बहुत समझदार लोग बैठे हैं। चलो, आज से तो आपने राग का त्याग कर दिया होगा, अरे बोलिए ना। अच्छा, अभी कोशिश करेंगे। हाँ, ये इतनी गहराई में चिपका हुआ है कि इसको निकालना बहुत भारी है, बहुत भारी है ना। चलिए, मैं तीन चीजें कहूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। जंगल में नाग का, जैन धर्म में त्याग का, और छोड़ने में राग का। व्यापारियों में आय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और छोड़ने में कषाय का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधरने में भाव का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। तरियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से आए? बाहर से और कोई आया? सोनागिर से। अच्छा, शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सोनागिर का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अशोक नगर का। जाजपुर से। अच्छा, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जाजपुर का। कोटा वाले भी बैठे हैं। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का।
आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में बारा का, देवों में असुर का, पशुओं के खुर का और आने वालों में चित जयपुर का। चित्तौड़ से कौन आया? वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में चित्तौड़गढ़ का। बोलिए चौबीसों भगवान की। आइए हाँ एक से सकते हैं हाथों द्रव्यों के अर्घों से भावांजलि अर्पण करते हैं। ओम राम गणी आर्यारत्ने सुमा स्वस्ति भूषण माता जी अतिशय सिद्धि किशोर पाटन में साक्षात सशंक विराजमान इनके चरण कमले गुरु नमा अर्घ्यम निर्वाण स्वाहा। बंदावी माता जी, बंदावी माता जी।